राइट तो फर्स्ट इज सरफेस वाटर पोल्यूशन राइट तो कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ द सरफेस वाटर पोल्यूशन एंड वी ऑल नो व्हाट इज़ द सरफेस वाटर सरफेस वाटर आपके लेक्स हैं आपके पॉन्ड्स हैं ठीक है आपकी स्ट्रीम्स हैं दिस ऑल आर द सरफेस वाटर सोर्सेस ठीक है तो सरफेस वाटर कैसे पोल्यूट हो सकता है फर्स्ट वन इज सीवेज सीवेज पोल्यूट करेगा आपके जो सरफेस वाटर सोर्सेज है उनको जैसे आपके ड्रेन है आपकी छोटी छोटी नालियां बनी हुई है जिनसे जो पानी है है ना वेस्ट वाटर है वो जा रहा है या फिर आपके जो सीअर्स हैं वो जाके फ्रेश वॉटर बॉडीज में आ, मतलब मिक्स हो जाते हैं या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं वो आपके फ्रेश वॉटर को या फिर आपके सरफेस वाटर को पूरी तरह से पोल्यूट कर देते हैं ठीक है ये सबसे मेजर प्रॉब्लम आज के डेट में देखा जाए तो सिटीज में ठीक है क्योंकि सिटीज में बड़े बड़े जो सीवेज लगे हुए हैं ठीक है तो उनका जो पानी है जो वेस्ट वाटर है वो बड़ी जल्दी से मिक्स हो जाता है जो आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज है उनके साथ और जो पानी को वो टोटली क्या कर देगा पोल्यूट कर देगा ठीक है फर्स्ट रीजन इज दैट सीवेज सीवेज की वजह से जो फ्रेश वाटर है सरफेस वाटर है वो पोल्यूट होता है राइट नेक्स्ट सेकेंड इज इंडस्ट्रियल Right? मतलब अमोनिया जो भी रेडियो एक्टिव सबस्टांसिस सो ऑन एक्सेट्रा ठीक है तो वो सारे क्या होंगे आपके वाटर को पोल्यूट करेंगे जब वो आपके वाटर के साथ आके जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है जब बोल सकते हो सरफेस वाटर के साथ आके मिक्स हो जाएंगे तो वो पानी को टोटली totally क्या कर देंगे पोल्यूट कर देंगे ठीक है नेक्स्ट हम इसको थर्मल पोल्यूशन भी बोल सकते हैं ठीक है इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल और हीट पोल्यूशन वाई इट इज नोन एज द थर्मल और द हीट पॉल्यूशन बिकॉज वो जो सब्सटांसेज होंगे ठीक है वो केमिकल सब्सटांसेज वो जो पानी का टेम्परेचर उस होगा उसको बड़ी जल्दी से रेज कर देंगे तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज द थर्मल और द हीट पल्यूशन ऑफ वाटर ठीक है तो ये जो पानी का टेम्परेचर है उसको बड़ी जल्दी से रेज कर देता है राइज कर देता है जिस वजह से ये क्या है थर्मल और हीट पल्यूशन को भी कॉज करेगा लाइक like, ठीक है नेक्स्ट इज थर्ड आपका जो मेन सोर्स uh, है ठीक है वो है सिंथेटिक डिटर्जेंट सिंथेटिक डिटर्जेंट्स घर पे यूज करते हो सॉप्स को यूज करते हो वॉशिंग के लिए यूज करते हो क्लीनिंग के लिए यूज करते हो ठीक है सॉप्स हैं आपके ठीक uh, है और सोप है ठीक है डिटर्जेंट्स हैं जो जो भी वो बाद में क्या प्रोड्यूस कर देते हैं फॉर्म प्रोड्यूस कर सक, देते हैं जो कि आपके जो फ्रेश वाटर बॉडीज है उनमें जाके मिक्स हो जाता है और को, वो वाटर को क्या करेगा पोल्यूट कर देगा ठीक है एंड द नेक्स्ट इज द एग्रोकेमिकल्स एग्रो केमिकल्स राइट एग्रोकेमिकल्स आपके एग्रोकेमिकल्स में आपके इंक्लूडेड हैं फर्टिलाइजर्स ठीक है फर्टिलाइजर जो कंटेन कर रहे हैं नाइट्रेट्स और द फॉस्फेट्स ठीक है इसी तरह से आपके पेस्टिसाइड्स हैं पेस्टिसाइड्स में आपके इंक्लूडेड है इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स हर्बिसाइड्स जब ये रेन वाटर के साथ वॉशअप हो जाते हैं ठीक है रन ऑफ हो जाता है इनका रेन वाटर के साथ वॉश्ड हो जाते हैं और वो जो सरफेस रन ऑफ है वो आपके जो प्योर वाटर है जो आपकी सरफेस वाटर बॉडीज हैं उन पे जाके क्या है मिक्स हो जाता है तो वो भी क्या करेगा आपके पानी को टोटली totally क्या कर देगा पोल्यूट कर देगा ठीक है राइट एंड द नेक्स्ट वन इज ऑयल हाउ ऑयल इज पोल्यूट योर फ्रेश वाटर बॉडीज या सरफेस वाटर बॉडीज ऑयल ऑयल कैसे करेगा ऑयल की स्पिलेज इट मीन्स कि जब आपने मतलब कोई भी ऑयल है है ना माइनिंग वगैरह करते हो पेट्रोलियम की ठीक है ऑयल की तो आ, कई बार क्या होता है कि आपके मतलब जो आपकी सरफेस वाटर बॉडीज हैं उनके नियर क्या होता है कि जब आप शिपमेंट कर रहे हो ठीक है ड्रिलिंग कर रहे हो या शिपमेंट कर रहे हो टैंकर्स में फिल कर रहे हो ऑयल को पेट्रोलियम को उस उस टाइम पे कई बार क्या होता है कि लीकेज होता हो जाती है ऑयल की ठीक है तो वो क्या है जो टोटल लीक्ड ऑयल है वो जाके आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज़ में क्या हो जाएगा इन्वॉल्व हो जाएगा ठीक है मिक्स हो जाएगा और वो आपकी जो स्ट्रीम्स हैं वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्या कर देगा पूरी तरह से पल्यूट कर देगा क्लियर नेक्स्ट इज़ द देश हीट हीट और ये जो बेस्ट हीट है ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है ठीक है ये इंक्रीज कर देती है वाटर का टेम्परेचर वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है